तीन गोदाम है, ये एक गोदाम भी नहीं है उसका, एक गोदाम भी नहीं है। अभी अभी इन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अभी कुछ नया आया हुआ है। जब तक ऑनलाइन काम करना है वो सारा इस पीस में हो जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल नया का नया T640 है, T640। इस मॉडल के बारे में पहले बताता हूँ कि तुम्हें इंडिया में कहीं मिलेगा नहीं है। इसका थोड़ा ऊपर वाला वर्जन देखते हैं, ये है T740। क्या फायदा है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लग भी सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर पोर्ट जो होते हैं मतलब इनबिल्ड, इसमें आप पे आज खुल जाता है, आपको असेंबली मतलब आप इसमें बाहर से ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। इसी वीडियो के एंड में सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे कैसे ग्राफिक कार्ड मात्र 2000 रुपए में मिल सकते हैं, मात्र 2000 रुपए में। हाँ जी, मात्र 2000 में मिल सकते हैं। आता है डेल वाइस का 50-70। ये आपने ऑप्टोप्लेक्स देखे होंगे, बहुत लोगों ने वीडियो नहीं पता होगा, डेल के ऑप्टोप्लेक्स आते हैं, मशीन आती है, बट ये थिन क्लाइंट है। इसमें हमने गेमिंग चलाई थी 13000 रुपए में, वीडियो भी दिखाई थी, और अभी आपको स्क्रीन पे वो वीडियोस देख भी रही होगी। मनवा लेना बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि इसमें काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो इससे ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं। बिल्कुल अल्टीमेट बिल्ड बनाना है ना, ये यूजुअली सर्विस होते हैं जिनको रेंडरिंग और सारे काम में यूज किया जाता है, बट अगर तुम्हारा काम यही है तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। गेमिंग का छोड़ो, ये तो बहुत ऊपर के लेवल के काम करा देंगे। जो भी पीसी खरीदेगा भाई, कीबोर्ड माउस चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए, और कोई बात नहीं, हाँ फ्री देंगे। ये देखो भाई, ग्राफिक कार्ड का स्टॉक देख सकते हो, इतने लेवल पे आ चुका है। हर्ष भाई, कैसे आपने लैपटॉप बेचना छोड़ दिया है क्या, ये पीसी वीसी लगा रखी है आपने? यार लैपटॉप बेचना नहीं, हम पीसी बेचना भी स्टार्ट कर चुके हैं, और जैसे पहले तो वीडियो में देखा होगा आपने, बहुत सारे पीसी बेचते थे, बट यार ये मतलब आप पीसी भी मिल जाएगा सौदे वाले के पास, पीसी तो हमेशा से मिल जाएगा, अब और रेंज मिल जाएगी तुम्हें। ओके, वैरायटी मिल जाएगी। रेंज कहाँ से मिल जाएगी? 2500 से। 2500 रुपए से? 2500 पीसी हमारी, हाँ पीसी की रेंज स्टार्ट हो जाती है। ये है आपका T430 T430 है, इसमें आपका 8GB रैम या 4GB रैम का आता है, और 32GB स्टोरेज का भी आता है। इसके अंदर आपको और ओएस भी चलता है, विंडोज लिनक्स में चलती, इसके अंदर कस्टम लिनक्स चलती है थिंथ्रो करके। थिंथ्रो क्या होता है, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पे गूगल शीट्स का काम करना है, जब तक तुम्हें ऑनलाइन काम करना है वो सारा इस पीछे हो जाएगा। मात्र 2500 रुपए में, मतलब अपनी पूरी स्टडी करनी हो, सारी चीजें कर सकता हूं। ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ा पावर लगेगा, 45 वाट का पावर प्लग लग जाएगा, बाद में अगर लाइट भी चली गई तो इन्वर्टर भी चलाना है तो आराम से चल जाएगा। आपका डीबी पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, तो दो मॉनिटर कनेक्ट हो सकते हैं आपके, लैंड पोर्ट भी है, अंदर इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ भी है, मतलब वाईफाई ब्लूटूथ भी मिल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर ही ओके 2500 रुपए में आपको सब मिलेगा, मतलब ये स्टूडेंट के लिए काफी सही है, स्टूडेंट के लिए, बिजनेस के लिए, जिनको बस ऑनलाइन करना है, टैली आजकल ऑनलाइन हो गई बहुत लोगों की, ठीक है, तो अगर आपको सारा काम ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन हो जाएगा आपका, जिनका वेबसाइट वगैरह काम रहता है वो भी कर सकते हैं आराम से। हाँ, हाँ, और इस वीडियो में जैसे हमेशा आप बोलते हो भाई, लिंक कहाँ है, कैटलॉग कहाँ है, मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि लैपटॉप दिखा दे, कैटलॉग कहाँ है, ये सारी चीज कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, आज आपके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, सारी चीज की लिंक मिल जाएगी। हाँ मतलब आज वीडियो लैपटॉप, तो यार तुम लोग 50-60 लैपटॉप एक बार में दिखा देता हूँ तो उसको कोई फायदा नहीं, आज कम से कम चीजें तो आप आराम से जाके देख सकते हो अपने तसल्ली से। मतलब आज जितनी भी वीडियो में दिखाने वाले हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से आप क्लिक करके ऑर्डर भी कर सकते हो। हाँ ऑर्डर भी कर सकते हो और हमसे बात भी कर सकते हो, वहाँ पे सब चीज ऑप्शन है। अब ये देखो बिल्कुल नया का नया T640 है, T640। इस मॉडल के बारे में पहले बताता हूँ कि तुम्हें इंडिया में कहीं मिलेगा नहीं है, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, और इंडिया में जहाँ मिलेगा वो 80,000 से नीचे का नहीं मिलेगा, जो क्योंकि इतना छोटा, ये गेमिंग पीसी है, गेमिंग पीसी छोटा है, राइजन के साथ है भाई, साइज देख सकते हो, लाइट वेट बिल्कुल, गेमिंग पीसी बैग में लेके जाओ और गेमिंग कर, और चलो ठीक है तुम्हें गेमिंग नहीं करनी, तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, और भाई तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो क्या करना ट्रेडिंग का, भाई चार मॉडल लगाने होते तो चार मॉडल का खर्चा जी ज्यादा, थोड़ा हाई प्रोसेसर के लिए पीसी चाहिए, पीसी के लिए कहाँ बैठाऊंगा, उसे चार फिर ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, अगर चार कनेक्टर चार मॉडल कनेक्ट करने हैं वो सब छोड़ो, इसके अंदर 1 2 3 4 चार पोर्ट्स में वैसे मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट, HDMI डीपी पोर्ट है, डीपी पोर्ट है, ओके। तो आपको चार पोर्ट, ये T640 आपका, ठीक है, इसके अंदर आप चार मॉडल कनेक्ट हो सकते हैं आराम से, और इसके अंदर आपको 2GB ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट आएगा APU वाला, तो सब कुछ काम हो जाएगा आपका, ट्रेडिंग करनी है हो जाएगी, गेमिंग करनी है हो जाएगी, जो काम करना है। गेमिंग किस लेवल तक होनी चाहिए? GTA 5 चाहिए, GTA 5 हेवी गेम होता है, बिल्कुल थोड़ा पुराना है मानता हूँ, 2015 तक का है, हेवी गेम होता है वो, आराम आज भी चल रहा है, आज भी चलाते हैं, आज बहुत वीडियो बनते हैं ये आराम। तो प्राइस क्या है इसका? 50-60 FPS पे, ये मात्र 8000 का, वो 8000 में, मतलब बाहर कोई मार्केट में लेने जाकर मिल भी गया तो 80,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा, मिलेगा नहीं, आप सर्च करिए, बेशक आप सर्च करिए, और जब भी अगर नहीं भी मिलेगा तब मैं रीजनेबल रेट रखता हूँ कि भैया इतने का रेट है। अब इसका थोड़ा ऊपर वाला वर्जन देखते हैं, ये है T740। क्या फायदा है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लग भी सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर पोर्ट जो होते हैं मतलब इनबिल्ड, इसमें आप पे आज खुल जाता है, आपको असेंबली मतलब आप इसमें बाहर से ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, इसके अंदर रैम लग जाती है, 2 SSD लग जाएंगी, फैन है, यहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड लग जाएगा वो छोटा वाला,
ठीक है, अगर आपको 4-5 GB का भी ग्राफिक कार्ड चाहिए उस लग जाएगा। इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, बाहर से ग्राफिक कार्ड बंदा लेगा तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ना, बाहर से पड़ेगा ना। उसके बाद बारे में हम इसी वीडियो के एंड में सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे कैसे ग्राफिक कार्ड मात्र 2000 रुपए में मिल सकते हैं। मात्र 2000 रुपए में? हाँ जी, मात्र 2000 में मिल सकते हैं ग्राफिक कार्ड। मतलब सारे सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले, सारे सोल्यूशन मिलते हैं, आधा पूरा काम नहीं होता हमारे पास। ये बाहर से ले लो, वो बाहर से ले लो, बेशक इसका अडाप्टर भी आपको मिलेगा, आपको रैम भी मिलेगी, इसके अंदर SSD लग के मिलेगी, सब कुछ पूरा का पूरा हम आपको बना के देंगे मात्र 10000 में। कितने जीबी रैम मिलने वाला है? RAM 8GB रैम के साथ, ओके, मात्र 10000 में। मतलब इसमें भी, मतलब इससे हाई लेवल की गेमिंग हो जाएगी, इससे हाई लेवल की ग्राफिक कार्ड लग जाएगा। कार्ड ग्राफिक कार्ड 1GB का ग्राफिक कार्ड से पहले से ही है, आपने 2GB का 4GB का जितने का भी लगा सकते हो, जितने 710 4GB वाला लगा सकते हो, तो आप 5GB मेमोरी हो जाएगी, आराम से जो गेम खेलना है खेलो, उसके फॉलो नहीं। फिर आता है डेल वाइस का 5070। ये आपने ऑप्टोप्लेक्स देखा होगा, बहुत लोगों ने वीडियो नहीं पता होगा, डेल के ऑप्टोप्लेक्स आते हैं, हेवी मशीन आती है, बट ये थिन क्लाइंट है। इसमें आता है आपका पेंटियम 8th जनरेशन प्रोसेसर। अब पेंटियम 8th जनरेशन प्रोसेसर बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, पेंटियम होता क्या है, आई सीरीज की तरह ही होता है, आई सीरीज से पहले पेंटियम आता था, बट पेंटियम आज भी आता है, पेंटियम सिल्वर का प्रोसेसर आता है और वो बहुत पावरफुल प्रोसेसर होता है, छोटा मोटा प्रोसेसर नहीं होता। तो आप एक बार आराम से गूगल करना, विंडोज 10 चल जाती है इसका आराम से। आपको अगर ऑफिस के काम के लिए चाहिए तो आप ऑफिस के काम भी ले सकते हो, इसके अंदर सारा काम आपका ऑफिस हो जाएगा, एक्सेल से लेके टैली से लेके सब कुछ हो जाएगा मात्र 21 मशीन में, और ये मात्र आपको 6000 की मिलेगी। बहुत सारे ऑफिस में वाले भी वीडियोस देख रहे होंगे तो अपनी कंपनी खोलने की सोच रहे होंगे, तो वो उनके लिए ये प्रीफर कर सकते हैं, यही प्रीफर कर दे वो। आप बड़े बड़े सिस्टम लगाओगे, हाँ जी, जगह इतनी ज्यादा गिरती है, मोटर लगाओगे, सब कुछ लगाओगे, खर्चा बढ़ भी जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, आओ आराम से 5-6 हजार में। आपको और भी मशीन दिखाता हूँ एक बार, ओ भाई, मतलब इतना सारा स्टॉक है आपके पास? ये तो भाई बहुत, ये तो कुछ नहीं है, ये आपका 30% स्टॉक है, अंदर तो बहुत सारी पेटियां है सर। मतलब अगर किसी ऑफिस वाले को इतना सारा स्टॉक चाहिए ना, वो आकर के यहाँ पे लेके जा सकता है इमीडिएटली, रेडी मिलने वाले पूरे ना। हाँ जी, अभी ये है आपका 530 का, ठीक है, ऑफिस वाले जो देख रहे हो उनको लिए ये बेटर है, क्योंकि ये आपका ये 5200 का पड़ जाएगा, आपको 5200 रुपए का, 5200 रुपए का पड़ेगा, यानी 200 का पड़ जाएगा, और ये बहुत सस्ता है, मतलब आराम से 10 सिस्टम लगा सकते हैं 50000 रुपए के अराउंड, 50 लाख 1 लाख में आपका पूरा 10 सिस्टम लग जाएगा, सेटअप बन जाएगा 1 लाख में। उसके बाद अगर आपको बेचना भी तो हम वापस ले लेंगे, वापसी ले लेंगे, ओके, अगर आपको नहीं चाहिए तो। मतलब 1 लाख में एक पीसी बनाओगे, ऐसा अच्छा है ये 10 सिस्टम आप लगा करके, मतलब ऑलमोस्ट बाहर तो बनता ही है, सौदे वाले में हेवी पीसी भी आपको 1 लाख के लिए चढ़ेगा। तो ये जो पीसी होता है आपको सारा काम कर देता है, ये हमने बहुत जगह लगा रखा है, ये हर हफ्ते आता है 150-200 क्वांटिटी का, बहुत जगह लगा रखा है, आराम से आपका ये सारे सेटअप कवर कर देगा, कॉल सेंटर आपका, कोई सपोर्ट सर्विस है या फिर आपका सिंपल सीए अकाउंट का काम है, सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। आपका रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, बंदों से बात करनी है, मात्र प्राइस 5200 रुपए पड़ रहा है, और ये आप लेके जा सकते हो 8GB रैम के साथ, 8GB रैम 200 की आएगी, आपको 2200-2300 की तो आती है, 8GB रैम कितने की आएगी, 1500 की आएगी, 1500 की आएगी, पीसी आपको मात्र 1200 रुपए का पड़ेगा, विदाउट विद एडाप्टर, मिलने वाली है 3 महीने की होती है सारी, वैसे कभी आज तक ये एक लौटा सामान है, सब सारे सामान देखे एक लौटा सामान है, इसकी वारंटी क्लेम जीरो है, जीरो है, इनके जीरो प्रॉब्लम्स आती नहीं, प्रॉब्लम आती नहीं, एक बार डिप्लॉय हो जाए उसके बाद प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आप बाकी फिर भी गारंटी तो यहाँ से मिली रही है आपको, 3 मंथ की मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लैपटॉप की तरह इसमें भी एक्सटेंड वारंटी मिल रही है, सबके अंदर होता है, सबके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप दोगे वैसे ही ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है नहीं, लैपटॉप चलो बहुत महंगा है, कभी स्क्रीन डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स है नहीं, स्क्रीन बाहर से अलग है, आपका कीबोर्ड अलग से, सब चीज अलग से, ये कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा, ओके। तो नेक्स्ट ये दिखा देता हूँ, ये बहुत ही बजट वाला है, ये 3628 है, जो DDR3 में है, DDR3 बिफोर तुम सोचोगे DDR3 है, ये है, ये मात्र आपको 2800 रुपए में पूरा बिल्ड आ जाएगा, 128GB SSD के साथ और 4GB रैम के साथ, इसका ज्यादा काम नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत है, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, इसका ज्यादा काम नहीं है, बहुत बेसिक से बेसिक काम के लिए, अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है या अपना इंस्टीट्यूट खोल रहा है या किसी को कॉस्ट बिलिंग करनी है, ऑफिस में काम करना है, ये सब चीजें करनी है, ये सारी चीज करनी है, उन चीजों के लिए आप ये यूज कर सकते हो, बाकी हैवी काम के लिए ये प्रेफर नहीं करता, हैवी कामों के लिए मैं ये सारे प्रेफर करता हूँ जो आपको भी दिखाया, ये भी प्रेफर नहीं करता हैवी काम के लिए, ये 3740 हो गया, 530 हो गया, इन सबको मैं प्रेफर करता हूँ हैवी कामों के लिए, और बहुत ही हैवी काम करने के लिए आप बोले नहीं फूड लाइन चाहिए नहीं मशीन नहीं चाहिए, तो मैं राइजन 5 वो वाली पीसी खत्म हो गई क्या, 13000 रुपए में आप गेमिंग बना के दे रहे थे जिसमें GT5 चल रहा था, यही वाली है,
क्या बात है भाई, इसमें हमने गेमिंग चलाई थी 13,000 रुपए में, और अभी आपको स्क्रीन पे वो वीडियोस देख भी रही होगी। आपने आपने बहुत लोगों ने बोला था कि भाई वीडियो चला के दिखाओ एक बार। हाँ जी, मानते भाई मैं GTA 5 चला के दिखाया है, इसमें वैलोरेंट चला के दिखाया है, इसमें CS:GO चला के दिखाया है, इसमें डॉटर चला के दिखाया है, सब चला के दिखाया है मैंने। ऐसा ये मात्र 15,000 में आपका मशीन कहीं नहीं जाता, इसमें 3 GB ग्राफिक कार्ड मिलता है आपको, और बल्कि ये मशीन बनी है उनके लिए, स्पेशली बनाई किस लिए थी, एडिटिंग और डिजाइनर्स के लिए बनाई थी। तो बाकी लोगों ने बोला ग्राफिक कार्ड कितना पावरफुल है, इस वक्त टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लेते, वो एडिटिंग करनी है उनके लिए मशीन बहुत बढ़िया है ये, उसके सबसे ज्यादा मतलब यार बहुत लोग होते हैं ना, कुछ यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी बहुत इन्फ्लुएंसर का ये ट्रेंड चल गया है कि एडिटिंग सीखना है, टाइम अपना थोड़ा लोग सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो 15-16,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप इसमें अपना कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। याद आया मैंने बनाया था वो 60,000 का बिल्ड। ओके आज ऐसे ही है, ना सीखी ना कुछ सीखी मैंने, और आज का आज वैसे का वैसे ही है। तो बहुत लोगों का होता है यार कि टाइम नहीं मिल पाता, बट जब जिस दिन टाइम मिले स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ो, ठीक है, पहले दिन ही 1,00,000 का जिसे मत बनवाओ, बिल्कुल किसी का बनवाता भी नहीं, हर किसी को पहले इंटरेस्ट करता हूँ कि देख लो तुम्हारा इन चीज छोटी चीजों में काम हो जाएगा, क्योंकि मैं ये भी बोलते तुम्हें दे दो, दे दिया वापस, अगर हो जाएगा तो वापस दे दो और मैं मशीन बनवा लेना। बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि इसमें काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो इससे ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं। अल्टीमेट बिल्ड बनाना है ना, अल्टीमेट बिल्ड भी एक मर जाता है, क्योंकि ये जो मशीन है ये कस्टमाइजेबल होती है अंदर से, मतलब प्रोसेसर जैसे आपके यूजुअली आते हैं i5 i7 सीरीज के, हाँ जी 12 कोर 18-24 कोर, ठीक है। लेट अपने कस्टमाइज की बात करिए तो बता ही देते हैं अपने ऑडियंस को कि कैसे कस्टमाइज होगा, कैसे होगा, जैसे 36,000 की मशीन है 3 GB तक, बट जो प्रोसेसर होते हैं ना वो Xeon के होते हैं, Xeon के होते हैं, और Xeon आपका बहुत ऊपर लेवल i9 के भी ऊपर लेवल का प्रोसेसर होता है, और इसके अंदर एक कोर की परफॉर्मेंस मतलब वो बहुत हेवी से हेवी था, अगर आपका कोर इंटेंसिव प्रोसेसर है, ग्राफिक इंटेंसिव प्रोसेसर नहीं है, ये बहुत प्यार से हैंडल करते हैं, ये यूजुअली सर्वर्स होते हैं जिनको रेंडरिंग और सारे काम में यूज किया जाता है, बट अगर तुम्हारा काम यही है तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, गेमिंग का छोड़ो ये तो बहुत ऊपर के लेवल काम करा देंगे। जैसे राइजन, अगर छोटा मोटा पहले छोटा वाला कवर कर लेते हैं, राइजन 5 की मशीन है, ओके ठीक है, आपको बस ऑफिस में लगानी है, लाइट गेम करनी है, ग्राफिक कार्ड छोटा मोटा लगा के, तो उसके लिए हो जाएगी आपको 11-12,000 की पूरी मशीन हो जाएगी ग्राफिक कार्ड के साथ, 11-12,000 रुपए की सारी मशीन, 11-12,000, तो यही उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, इनको फ्लैट बेड मशीन चाहिए चाहिए, इससे काम नहीं होगा, उन्हें प्रॉपर i5 जैसे लेवल की या राइजन 5 लेवल की मशीन चाहिए, राइजन 5 में आपको मिल जाएगा हमारे पास हफ्ते में काफी, मतलब यहाँ पर आपको वैरायटी सारी मिलने वाली, वैरायटी कमी नहीं होने वाली, जैसा चाहोगे वैसा कस्टमाइज हो जाएगा। 2400G का प्रोसेसर है, आप ऑनलाइन देखोगे 2400G का प्रोसेसर 8,000 रुपए राइजन 5 4000 का, तो आपको 11-12,000 की मशीन बना के ये आपको कस्टम मिल, तो इनकी भी गारंटी 3 मंथ की मिलने वाली, इनकी भी 3 मंथ की मिलने वाली है, इसकी 1 साल मिल जाएगी आपका 7-8। और जैसे अगर कुछ सर्विस सपोर्ट कैसा मिलने वाला है आपको, सर्विस सपोर्ट कुछ ये जो सर्वर होते हैं, हाँ जी, इनके अंदर मेरे ख्याल से आज तक हमने कभी ये ही नहीं वाली जरूरत नहीं पड़ी है, ओके मशीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार पड़ा है, वो भी हमारे पापा सप्लायर, वो कस्टमर के एंड पे कभी लाइट बैठ जाती है, ऐसे क्रोकेट होती है तो फूक जाके हम नया पावर सप्लाई भेज देते हैं, उसका चार्ज लेके आउट ऑफ वारंटी, वो तो इनसाइड वारंटी होंगे तो हम दूसरे भेज देंगे, आप दूसरे आज तक तो नहीं हुआ और वो कोई आज भी नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो आपके लिए बैठे हैं, बैठने वाले तो यार वो अलग बात, वो हम तो बैठे ही हैं, बैठने वाली बात ये, आपको जो भी होगा मशीन हमें दे देना, आप जितना भी खर्चा आएगा अगर वारंटी के अंदर तो आपसे कोई खर्चा लिया नहीं जाएगा, हम कर देंगे उसके अंदर, ठीक है, ज्यादातर कुछ खर्चा होता नहीं है, या तो कभी आपका ओवर हीटिंग हो रही है सिंगल पीस लगाना होगा, या ऑन लेवल तो पावर सप्लाई चेंज करनी होगी, इससे ज्यादा आपको कोई इशू नहीं आता, अगर आता है तो आप हमारे पास दीजिए, हम देख के ठीक करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं एक ही मशीन है, फिर बाहर से ठीक करवानी पड़ेगी, हमारे पास बहुत सारी मशीन है, इससे आप खुद सकते हैं, 200-300 मशीन है हमारे पास, ये 3 गोदाम है, ये 1 गोदाम भी नहीं है, एक गोदाम भी नहीं है, अभी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अभी कुछ नया आया हुआ है के बारे में बात करेंगे, और मैं थोड़ी बहुत नई चीजें दिखा देता हूँ, जो भी पीसी खरीदेगा भाई कीबोर्ड माउस चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए, और तो कोई बात नहीं, हाँ फ्री देंगे, आप फ्री दोगे, हाँ ये वायरलेस है बिल्कुल नए के नए, ये देखो भाई जिस मतलब जो अपना यहाँ से पीसी लेके जाएगा उसको लिए फ्री है, बट अगर कोई परचेज करना चाहे तो 800 रुपए में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट, वायरलेस है पूरा, और बिल्कुल एप्पल की तरह इसकी लुक है, माउस भी बिल्कुल वैसे का वैसे का है, और ये नहीं कोई लोकल ब्रांड जेब्रोनिक फोटोनिक का है, एचपी का है, इसकी गारंटी वारंटी, इसकी गारंटी वारंटी 1 साल, 1 साल की है, ये पूरा नया है, आपको खाना भी खुला, बिल्कुल भाई 1 साल की वारंटी के साथ मिल रही है, अभी यही प्राइस आराम आराम से 2,000 रुपए का होगा, 2,000 रुपए और
आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन चेक करोगे तो 2000 रुपए की चीज आपको 800 रुपए में एक साल की वारंटी के साथ मिल रही है। जो जितना सेम है वहाँ पे मैंने आपको खोल के दिखाया, मैंने पूरा चेक किया। और भी कीबोर्ड्स आए भैया? और मेरे पास कम से कम 12,000 कीबोर्ड है। बिल्कुल 12,000 कीबोर्ड, 12,000 थोड़ा ब्लैक रंग में भी है मेरे पास। अच्छा, ब्लैक में भी है, ब्लैक में भी है, व्हाइट में भी है। 12,000 कीबोर्ड में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, कीबोर्ड तो छोटी मोटी चीज है। नहीं, अगर किसी को बल्क अमाउंट में उठाना हो तो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, कांटेक्ट कर सकता है बेशक। 12,000 मैं आखिर तो बेच नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको डील अपने एरिया में देनी है या अपने कस्टमर्स को देनी है कि जो लैपटॉप ले रहा है कुछ और ले रहा है उनको भी कीबोर्ड देना है, गिफ्ट देना है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बात कर लीजिए। हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आप ले सकते, कोई परचेज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीबोर्ड माउस सब ज्यादा है और अपनी ग्राफिक कार्ड भी ज्यादा है। जो ग्राफिक कार्ड चाहिए ग्राफिक कार्ड बताता हूँ। ओके, जैसे ये हो गया, इसमें K4000 का कार्ड होता है, 3GB का कार्ड होता है, इसके अंदर रैम आपकी 128GB तक लग जाती है, 128GB तक सारा काम हो जाएगा। अब इस मशीन की अल्टीमेट है, इसमें क्या होता है, दो प्रोसेसर लगते हैं। अच्छा, दो प्रोसेसर लगे, कोई कस्टम बिल्ड देखा नहीं, सर दो प्रोसेसर लग जाए। मैंने भी आज तक वीडियो बनाई है वो एसी प्रोसेसर के साथ बनाई है। i9 होगा, i9 40 जनरेशन, ओके, हाँ ये i9 40 जनरेशन हो गया, i7 हो गया, बस यही सब बनाई है। मैं Xeon की अगर दो प्रोसेसर लगा दूँ, 40 कोर की मशीन, ओ तेरी, मतलब ये बहुत तगड़ी मशीन बन जाएगी। समझ में आ रहा है, हम कस्टम बिल्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे ऊपर आ गए हम, उन चीजों की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या लग जाएगा आपका, 5,000 का कार्ड, 24GB का कार्ड होता है और नया कार्ड आता है 2,00,000 का, 2,00,000 का। हम आपको 1,30,000 के अंदर नया का नया कार्ड विद वारंटी लगा कर देंगे इस मशीन के। अब 1,30,000 का आपका कार्ड हो गया और मशीन आपको 40 कोर की चाहिए, तो आप मान के चलो आपको 64GB रैम 2TB स्टोरेज के साथ 2,35,000 या 2,40,000 के आसपास पड़ जाएगी, और आपका i9 का बिल्ड भी इतने का ही पड़ेगा। बिल्कुल, ग्राफिक कार्ड उसमें क्या होगा, 3080, 3090 या 4060, 4070 ऐसे कुछ लगाओगे। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो है 1.5 लाख के कार्ड आते हैं। हाँ, ये चलो बाहर से अच्छा नहीं दिखता, 10 लाइटें नहीं चल रही, दिवाली की तरह लग नहीं रहा बिल्कुल भी, जो कुछ नहीं हो रहा, चमक दमक नहीं दे रहा अंदर है। हाँ, ये मस्टैंग की तरह है, बाहर पुरानी सी लगेगी, अंदर इसके समान है, तो ये मशीन आपको अगर बिल्कुल ऐसी चाहिए कि हमें बहुत एक ऊपर लेवल में चाहिए तो आपको 1,00,000 तक की मिल सकती है। 1,00,000 तक की, 1,00,000 के तक की आपको मेरे ख्याल से उसमें 16 कोर के प्रोसेसर होंगे, 8 कोर के 2 प्रोसेसर। सोचो कोर के उसको हम देखते हैं लोड कितना पड़ रहा है, आप कोर भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 1% में कितना लोड पड़ रहा है वो देखो, आप सारी चीज पे टेस्ट कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जो काम आता है ना AI मशीन लर्निंग वालों को काम आता है, क्योंकि इसमें सिमुलेशन रन होती है ना A5000 और इस मशीन के साथ बहुत फास्ट होती है, इससे फास्ट कोई मशीन है नहीं इस टाइम में मार्केट में, पूरे मार्केट में जाओ इससे फास्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो मतलब देख लो अभी यहाँ से हमने मात्र 2500 रुपए से स्टार्ट की थी और अभी तक लाखों तक आ चुका, और ऐसा प्रोसेसर भी आ चुके जो कि कोई नहीं दे रहा। हाँ, नहीं ये आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा, पहली बात तो जो लोग ये बेचते हैं ना वो ऐसे वीडियो उनके पास टाइम नहीं होता बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात बताओ, ये कस्टम मेड बनवा लो, कस्टम मेड आप बनाओ, 1,000 बनाओ, 2,000 बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, आप नेहरू प्लेस में काम करो, लक्ष्मीनगर में काम करो, कहीं भी काम करो, आपके लिए अच्छा है, पर ऐसे मशीन बनाने वाले बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि इन मशीनों का कैपेबिलिटी जो होती है वहाँ पे किसी मशीन से बहुत बहुत ज्यादा होता है, ये बजाय लोगों को पता नहीं होता, जब तक पता नहीं होता ना तभी लोग जो ये बेचते हैं उनका वीडियो नहीं बनाते, फायदा उसमें होता है। हमारा कह रहे हैं सबका फायदा हो, हमारा स्टॉक भी ज्यादा होता है, सब लोग खरीदे, ये चीज ट्राई कर, ताकि ये मेनस्ट्रीम नॉलेज भी होना, सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भाई कोई अगर आपका दोस्त सोचता है पीसी लेने के लिए, गेमिंग के लिए, करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप उनको एक बार वीडियो शेयर कर देना, ताकि मत लेना भाई, गेमिंग के लिए नहीं है, गेमिंग के मतलब गेमिंग की सस्ते में चीज आएगी, गेमिंग की 80,000 में उसे बन जाते गेमिंग वाले। ओके, अब Xeon और i3 में क्या डिफरेंस है, i3 आपकी बेटर होती है गेमिंग के लिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ यार, कुछ नहीं है, आप लोगों ने वीडियो देखा हो रहा है बहुत बड़ी मशीन है 1,00,000 दे रहा भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ गेमिंग के लिए आप बेशक i7 वाली बनाओ, तो उसमें ज्यादा लोड करना नहीं है यार, गेम खेलने में इतना नहीं होता, Xeon की इज नॉट वर्थ इट, Xeon आपका बहुत ऊपर का हो जाता है, तो अनलेस एंटिल आप प्रोफेशनल काम, आपका पैसा निकलने वाला है इस मशीन में से, गेमिंग में से क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा नहीं। गेमिंग मशीन 60-70,000 तक ही बनानी चाहिए, अगर बहुत अच्छा एडिटिंग का काम भी है उसके ऊपर तो 1-1.5 लाख तक की बनानी चाहिए, उसके ऊपर मेरे ख्याल से वर्थ नहीं होता, ये वर्थ उनके लिए है जिनको उससे पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो रेंडर कर रहे हो, बाकी सब चीज कर रहे हो, तो सब चीज के अंदर आपके आराम से हो जाएंगे, तो उनके लिए वर्थ है, बाकी लोगों के लिए वर्थ नहीं मैं बोलूंगा। और जैसे बोलोगे भाई और इसमें सामान लगता है, ग्राफिक कार्ड और कस्टमाइजेशन, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कार्ड है
कार्ड भी दिया था हमने, कार्ड बहुत सारे मदरबोर्ड बहुत सारे हैं। अभी कार्ड तुम्हारा है 1660 सिंगल फैन का है, नया का नया कार्ड है, अभी अनबॉक्स किया थोड़ी देर पहले टेस्टिंग के लिए हमने, ये निकाल के यहाँ पर रख दिया। अब क्या सोच रहे हो 1660 क्या रेट होना चाहिए आज के मार्केट में? 18,000 का यूज मिल रहा है आराम से, 18,000 रुपए यूज मिल रहा है। ओके, आप ज्यादा ऑफर वाली वेबसाइट जो हमारे से कम्पीट करते हैं वो 12,000 का दे देंगे, 12,000 ये मैंने कल 7,000 का बेचा है, 7,000 रुपए का नया का नया कार्ड, नया का नया कार्ड, सेम गारंटी 1660 6GB सेम गारंटी मिलने वाली, सेम गारंटी मिलने वाली, क्या बात है भाई, 6GB का कार्ड मैंने कल बेचा। तो मतलब यहाँ पर देख लो भाई, आपको ग्राफिक कार्ड कितने सस्ते में प्रोवाइड हो रहा है, वो भी सेम गारंटी है। अभी तुम आओ, और भी है, अरे ये सारे ग्राफिक कार्ड है, सही, ये भी सारे ग्राफिक कार्ड है, अलग अलग, सारे अलग ग्राफिक कार्ड है। ये देखो भाई ग्राफिक कार्ड का स्टॉक देख सकते हो इतने लेवल पे आ चुका है, कैसे भी लेवल का, 2GB का 400 क्वाड्रो कार्ड है, ठीक है। अब बोल रहे यार ये तो छोटा मोटा कार्ड है, ठीक है, तो बड़े लेवल के कार्ड जैसे ये है 5GB का, 5GB का 200, ये देखो भाई आ गया भाई 5GB का ग्राफिक कार्ड। मतलब यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है, अगर किसी को अपने पीसी में बिल्ड कराना हो लेना हो तो वो भी कर सकता है, प्रोफेशनल वाले भी कर देते हैं, गेम वाले में मजा नहीं आता, हमें पता है उसकी समय था, वहाँ तक लिमिट है, उसके बाद 14 जनरेशन का बोर्ड i9 तक दे सकता है यार। अब ये Xeon है, Xeon में कल मैं 8 कोर भी लगा सकता हूँ, मैं 16 भी लगा सकता हूँ, 12 भी लगा सकता हूँ, 20 भी लगा सकता हूँ, 22 भी लगा सकता हूँ, कितने भी कोर का मैं लगा सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको मशीन को अपग्रेड नहीं कर सकते, ग्राफिक कार्ड कर सकते हो आप, i9 है, i9 के साथ 1660 भी लगाओगे क्या फायदा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं इन चीजों में, कस्टम में जो ऐसे मशीन होते हैं ऑप्शन आपको ज्यादा मिल जाते हैं, यानी अगले 10 साल भी बाद में तुम्हें देख रहा ना क्या मेरे को 40 कोर कर रहा है, 1660 से काम देता 40 कोर करना, 40 कोर भी हो जाए ज्यादा महंगा चाहेगा नहीं। अब i9 को आप i9 14 जनरेशन का नहीं करवा सकते, पूरा प्रोसेसर ही चेंज हो जाएगा, आप प्रोसेसर लगा सकते हैं, आप ये रैम 64 128 डालने का फायदा नहीं, इन सब में वो काम हो जाए, हो जाता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये भी ग्राफिक कार्ड है, मार्केट का राजा, ओ भाई साहब कितना प्यारा सा ग्राफिक कार्ड है, कौन सा है, 5000 RTX 5000, हाँ जी ये 5000, ये 5000 कितने रुपए का है, ये है 16GB का, ये बहुत पावरफुल कार्ड है, सिंगल पावरफुल कम से कम 1,80,000 का मिलता है, 14,000 रुपए में तुम्हें वन टाइम, अगर हमारे चल गया टेस्टिंग नहीं करेंगे, हाँ जी हमने 40,000 40,000 क्या बात, 1,00,000 का कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1,80,000 का कार्ड आपको मिल जाएगा 40,000 में, और वो भी ब्रांड न्यू 5000 आप सर्च करना, हम टेस्टिंग सारी चीज पहले करते हैं उसके बाद ही आपको देंगे, तो इतने महंगे महंगे कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सर, मैं बताता हूँ यहाँ पे इतनी सारी सीरीज है हमारे पास, ये सारे कार्ड कार्ड वाले, हाँ ये आपको 40,000 रुपये कुछ महंगा मिलेगा, बिल्कुल भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ जी वो 9-10 हज़ार का, 9-10 हज़ार का, ओके तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर किसी को चाहिए हुआ ये ग्राफिक कार्ड या आपके इसमें आ रहा है तो आप लेके भी जा सकते हो, ये छोटे वाले ग्राफिक कार्ड है, RTX सीरीज भी है, इनमें GTX सीरीज भी है, जैसे आप 1660 दिखा GTX सीरीज का, ये RTX 5000 है, RTX 4000 है हमारे पास, RTX 2000 भी है, इसमें कुछ और सारे कार्ड भी है, ऐसे बहुत सारे हैं, और WX सीरीज से भी मेरे ख्याल से उसके सुंदर सुंदर कार्ड, Radeon Pro WX 7100, तो ये सारे कार्ड भी आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कार्ड भी मिलेंगे, कार्ड सब सारे मिलेंगे आपको, मशीन में टेस्ट करके आपको सारा अपने काम के अनुसार ही बनाई जाएगी भाई, छुट्टी मिल जाएगी भाई, देखो अभी वीडियो बनाई है, अभी कार्ड्स आए हुए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आता रहता है और निकलता रहता है, लैपटॉप भी बनाएंगे इस बार हमने, चक्कर पहले हम कर यही वीडियो 22-23 मिनट की जा चुकी है ऑलरेडी, तो लैपटॉप की वीडियो बनाने लगे तो बहुत लंबी जाएगी, तो ठीक है वो इसके बाद हम जो वीडियो पोस्ट करेंगे वो लैपटॉप की हो जाएगी, आज हमें ये दिखाता है भाई ये चीजें हो सकती है, चीज को मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा, रीजन ये है कि ये थोड़ा एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ, बिल्कुल बार बार हर किसी यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाना है इन चीज को, मैं तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा, तो ये स्पेशली जो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो आप आराम से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, मैं सब चीजों को बिल्कुल डिटेल्स दिया रखा है, कौन कौन से कार्ड लग जाएंगे, 3070 लगाना 3070 लगाओ, GTX लगाना GTX लगाओ, आपको RTX लगाना RTX लगाओ, ये मशीनें जो आपके सामने है वो बड़ी काम की है, ये जो मशीनें हैं ये बेमिसाल है, इनका बजट लो है, बाकी सारी काम करती है, असेंबली बहुत आसान है, तो जिनको नॉलेज नहीं है आप यहाँ से बिगिन कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आप कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कस्टम बिल्ड करने की जरूरत नहीं, पहली बार दौड़ने की 13,000 में जब आपको काम हो रहा है 14,000 में काम हो रहा है तो कस्टम बिल्ड क्यों दौड़ना, बिल्कुल अरे देख लो 13,000 14,000 एक मशीन लेके जाओ,
मशीन में रैम है आपकी, SSD आपकी, 5-10 हज़ार का सामान तो वैसे ही है फ्री का, फ्री का बिल्कुल, जो आपको कल 1.5 रुपए भी बेचना पड़ेगा कहीं भी। अरे हमने एक ही वीडियोस बनाई थी, 70,000 आराम से व्यूज गई थी और बहुत लोग कॉल पे परेशान करते थे। ये तो बहुत ज्यादा बिकी है, आज भी बिक रही है, आज भी एक ऑर्डर है इसका, ये ऑर्डर से ठग ले गए हमें, ऑर्डर से ठग डेली ऑर्डर आते हैं इसकी, क्योंकि बहुत बेमिसाल चीज है, पेंटिंग के लिए किसी काम की है, ट्राई करो इन चीजों को, उसके बाद अगर काम हमारा लगता है कि हाँ भाई अब मैं एक्सपर्ट हूँ तो कस्टम बिल्ड बेहतर बनाओ, कस्टम बिल्ड अगर कुछ नहीं हो मैं आप कस्टम बिल्ड बनाओ, बट 1.5 लाख तक का बजट, तो अगर आपको आपको खुद भी जाना है एक बार कंसिडर कर लो 7820 को, क्योंकि उसमें आपको अपने प्राइस पॉइंट से बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। ये 5000 कार्ड कोई छोटे मोटे कार्ड नहीं होते, बहुत पावरफुल है, जिनको नॉलेज है वो अच्छे तरीके जानते हैं क्या चीज है क्या नहीं है, वो पैसे बचाएंगे, जिनको नॉलेज नहीं है पैसे गवाएंगे, गवाएंगे, मार्केट का रोल है ये आज का नहीं हमेशा से, जिनको नॉलेज है वो पैसा हमेशा बचाता है। यहाँ पे सौदे वाला पे आपका मैक्सिमम, अगर आप यहाँ पे आओगे डील करोगे तो पैसा बचाओगे बचाओगे, मार्केट में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें गवा रहे हो पैसे कुछ है, पर जितने का रेट है उतना का दोगे, यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, वो चीज आपको पहले ही पता लग जाती है, और वेबसाइट पे भी जाकर के सारी चीजें लिस्टेड है। जिनको लैपटॉप चाहिए भाई, लैपटॉप के लिए आए हो तो नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा वेबसाइट का, वहाँ पे भी जाकर के लेके जा सकते हो, लैपटॉप हमारे 6,000 से स्टार्ट हो चुके हैं इस बार, ठीक है, 6,500 से कम कर दिया नहीं नहीं हमने, और देखो लॉट होता है क्या होता है, लॉट में जैसे मैं बाकी लोगों को बताता हूँ कैसे काम करता है, कि बहुत लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सारे, हम होम सीरीज वाले लॉट नहीं लेते, हम लेते प्रोफेशनल वाले, प्रोफेशनल जो लैपटॉप लंबे चल जाए, जैसे डेल लैटिट्यूड है, और लेनोवो में हम आइडिया पैड नहीं लेते, ये सारी चीजें नहीं लेते, आइडिया पैड मेरे ख्याल से चलते नहीं बिल्कुल भी, आप हम लेते हैं थिंक पैड या थिंक सीरीज के, जितने भी जैसे हमारे पास ये भी आएंगे थिंक पैड थिंक सीरीज के आएंगे, छोटे मोटे पीसी नहीं आएंगे, हमारे पास सारा महंगा सामान आता है, लोग इनिशियली ये चीज 10 लाख की खरीदते हैं, बड़ी कंपनी 10 लाख की या लैपटॉप 1 लाख की खरीदती है, वो जाके हमें सस्ते में मिलता है, हम आपको सस्ते में देते हैं, अगर कस्टम बिल्ड हो गया या फिर ये जो होम सीरीज के लैपटॉप हो गए वो 4-4, 5-5 हज़ार के, वो उसमें भी बर्थरेट नहीं होते, क्योंकि वो चलते नहीं आपके 2 महीने से ज्यादा, जब SSD भी लगा लो, रैम भी लगा लो, रैम कम भी आपको 8 GB से नीचे किसी भी चीज में आज के जमाने में DDR3 में भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं होता उसका, आप इतना हैवी काम, क्रोम आपका कितना लेता है, क्रोम 6 GB मांग रहा है, तुम्हारे लैपटॉप में है 4 GB, तुम उस पर काम करोगे, एच पे तो पूरे ढंग से काम होगा नहीं, बहुत सारी जो ऐप होती है फ्लैश जो पहले का जमाने का है, आजकल मोबाइल ही आ गए हैं 12-12 GB का हमारा मोबाइल आ रहा है, तुम कैसे कह सकते हो भाई 4 GB में हमारा काम हो जाएगा, नहीं, तुम्हें लैपटॉप अगर चाहिए थोड़ा रिलायबल लो, थोड़ा अच्छे लो, बेशक हमसे मत लो, मार्केट में बहुत लोग हैं, मार्केट कोई छोटा मोटा नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है, तुम जहाँ से भी लो 8 GB मिनिमम लो, 128 GB SSD होनी चाहिए, चाहे ये नहीं 1 TB भैया HD मिल रही है वहाँ, तो स्टोरेज का मत देखो, स्टोरेज ऑप्शन नहीं है तुम्हारा, SSD इंपॉर्टेंस है, स्पीड चलने के लिए, स्पीड चलनी चाहिए, और अगर तुम्हें प्रोसेसर के हिसाब से चाहिए तो i5 i3 मैं तो भाई बेच रहा हूँ, तो मैं अंदर से बता रहा हूँ, मैं i3 बेच रहा हूँ, मैं सेलरॉन भी बेच रहा हूँ, मैं पेंटियम भी बेच रहा हूँ, बट अगर तुम्हें सीरियस काम करना है, तुम्हें सीखना नहीं, तुम्हें सीरियस काम करना है, तो i5 से नीचे कॉम्प्रोमाइज मत करना। i5 आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको ये रिकमेंडेशन मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि देखो भाई बेच रहे थे, इनका काम है, जो भी लाए वो तो बेचेंगे, हाँ वो तो हम बेचेंगे, हमारा बिकेगा, चिंता मत करो, हम पहले से बेचते आ रहे हैं, हम आगे भी बेचेंगे, हमारा प्रॉब्लम नहीं है बेचने की, बट ये है कि आप बजट के चक्कर में भैया यहाँ पे तो ये सस्ता मिल रहा है i3, कभी जनरेशन में मत सोचो, बहुत लोग आते हैं i3 दे दो, i5 दो, i7, अब तुम जनरेशन मांगो, जनरेशन तुम सोच रहे हो भैया i3 तो 10th मिल रहा है, आप i5 8 दे रहे हो, भाई i5 8 तुम्हारा i3 10th का भी एक लेवल होता है, काम तेज कर देगा और एक लेवल तक करेगा ना, i5 8 तुम्हारी लोड झेल लेगा, लोड झेल लेगा, कितना देर हो जाएगा, एक सेकंड उसका प्रोसेसर मैं बता रहा हूँ, i5 3rd से लेके i5 14 जो आ गया, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 200-300% का है, बट वो तुम्हारा दो जो काम 15 सेकंड में होता है वो 2 सेकंड हो जाए 3 सेकंड हो जाए, तो जो इन पास की जनरेशन होता है मतलब 2-3 सेकंड ज्यादा फर्क नहीं रहता, बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 सेकंड का तुम्हारा कहीं नहीं गया, तुम्हें अच्छा लैपटॉप मिल गया और तुम्हें ज्यादा काम कर सकते हो, i5 8 में ज्यादा काम कर सकते हो, i3 10 में एक काम थोड़ा तेज 2 सेकंड का, पर ज्यादा काम कर ही नहीं पाओ, लिमिटेड काम होगा, वहीं पे हो गया, तो इन लैपटॉप की जैसे राइजन और इंटेल में होता है, इंटेल ज्यादा मल्टीपल स्लाइड खोल सकते हैं, हाँ और एक और फायदा क्या होता है, मैं भूल गया होता ना, अब तुम्हारा एक साइकिल है भाई, एक बाइक है, बाइक तुम्हारा लोड लेगी स्पीड से, और साइकिल है, तुम कह रहे हो ऊपर जाना भाई, साइकिल जल्दी भगा के ले गए, ठीक है, साइकिल साइकिल होती है ना, और साइकिल बहुत तेज भगाओ, चेन में सस्पेंशन टूट जाएंगे उसके, टूट जाएगी, बाइक बाइक होती है, अब i5 तुम बाइक समझो भाई, वो लोड झेल लेगी, साइकिल तेज है तो ठीक है, ऊपर जाना है तेज है, पर तुम्हारी साइकिल खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये सारे काम भी होते हैं, ये चीज समझ के आओ,
i7 तो छोड़ो, तुम अगर जितना भी बजट है जैसे लिए वैसे प्लान करके आओ और देखो कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेड रहता है, सेकंड हैंड लेना है। नया का तो फिर अलग ही बात है, i3 अगर कोई आपको नया मिल रहा है i5 10 के रेट में तो वो तो अलग चीज है कि वो होम सीरीज में ज्यादा मिलता है। और अगेन होम सीरीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ, होम सीरीज में जिंदगी में कभी करने नहीं वाला ना मेरे को बिल्कुल पसंद, क्योंकि वो सबसे बेकार होती है। एक तो हमारी सर्विस भी होती है बहुत ज्यादा, तो खराब हो गया तो वापस हमें भी ठीक करना पड़ता है, तो ये सारी चीज दिमाग में रख के रहना। तो अभी की वीडियो यहीं पे खत्म हो गई, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन दी थी, ये सारा पार्ट एडिट नहीं। देखो आपने जो भी बोला है वो सुनने के लायक है, एटलीस्ट जो भी सुन रहा है ना आधे घंटे उनको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा, ऐसा हाँ। नहीं कि कुछ भी चीज वर्थ हमने कुछ बेकार बात बोली। मार्केट जाते जाते से ये वीडियो देखते रह जाना ठीक है, और तुम छोड़ो भाई पूरी वीडियो में देखना, 2x पे देख लेना, 2x पे देख लेना बिल्कुल, और हमसे बात करेंगे थोड़ा स्लो स्लो करेंगे हम ठीक है, तो 2x पे देख के तुम समझ के जाना कि भाई मार्केट में क्या चीज खरीदने जा रहा हूँ, क्या चीज दिखाओ और दुकानदार वाले से पूछो कि ये चीज सही है गलत। ओके तो बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लैपटॉप की लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे प्रीमियम लैपटॉप अच्छे ऑफर में मिलने वाले हैं। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.